जय जगन्नाथ घूमने वाला आदमी आउ एक नुआ आ सुंदर अध्याय को आपण मानको स्वागत। आज मुसी पहुँची जलैका आनंद धाम मणिनाग गुंफाठ बाबा बैकुंठनाथ ब्रह्मचारी साधनार पीठ सत्यापट ठार किसी दूर से अवस्थित ए सुंदर पीठ को आज आपण मानक भिडियो मध्यम देखे आपण मैंने जदि सत्यापट को बुलवापी थे निश्चय जगह को आसतु ये जगार अनेक महात्म्य रही मालिका वर्णित पीठ विभिन्न मालिकाकार विभिन्न मालिकार जलैका आनंद धाम विषय कह जा प्राकृतिक सौंदर्य परिवेश शांत स्निग्ध स्थान आपण मन निश्चित भाव कि देवदुर्लभ जो स्थान गुड़िक देवता मानी उपयोगी किसी गुप्त जिनस से जगार थाए तो जमी आप जानते रत्नभंडार आम श्रीक्षेत्र रत्नभंडार में साप मैंने जगि रही सूचना मिलता है। तो ये हूँ मालिका वर्णित पीठ तो यार तले किसी सेमती विशेष जिनस अच्छी जो मणिनाग बोली नाग ये जगह को जगिकी थे ये जो से गुंफा आप देखुं मणिनाग गुंफा यही बाटे मणिनाग प्रत्येक राति आसती बीरूपा नदी पानी पी यही गुंफा मध्ये प्रवेश करते मणिनाग जावास समय अनेक लोक स्वचक्षुर देखिंट मणिनाग मस्तक मणि सदृश से आलोकित पदार्थ जहाद्वारा से जावास करता आलोकित हो जाऊला बाबा बैकुंठनाथ ब्रह्मचारी साधना पीठ ये महापुरुष अच्युतानंद वेदतत्व ब्रह्मज्ञान कल्पे प्रकाश कर गुप्त जमुना बोलीण बीरूपाटी कही भैरव मुंडिया पासे अच्छी रही भ्रमर गुंफा जहाँ सप्तफेणी कही सदा मणिनाग ताकू जगि बसी थाई ए स्थानटी मणिनाग गुंफा जलैका पहाड़े सातश बावन गुंफा रही नली गुंफा मणिनाग गुंफा एगुड़िक मुख्य गुंफा बोली धरा जाए। ये जो मणिगुंफा अच्छी जगहटा एवं जो डेवलपमेंट आप देखुं यह आगु कि ना ये स्थान में कहीं रही पार ना मालिका वर्णित जगह जोटा कि विश्वज्वाला था जहाद्वारा कि जगार कहीं बसवास करते बाबा बैकुंठनाथ ब्रह्मचारी निज साधना बल में यह स्थान रही थे। महापुरुष अच्युतानंद वेदतत्व ब्रह्मज्ञान कल्पे प्रकाश कर विश्वज्वाला से स्थान कहीं न रही निज द्वार वृद्धि अच्छी द्वारे गद दे सेवटर पत्र स्वयं षोलश्र गोपी कही देखी नपारती सदा नेत्रे देखी जोगमाया सोजतीरे जलका करी जालुका बोलीण तार नाम होई तो निश्चित भाव जगटीर महात्म्य बहुत रही। ये बटवृक्ष आप देखुं बटवृक्षर पत्र गुड़ी षोलश्र गोपी मान सहित वर्णना करवल साधारण लोक नुहे से लोक मैंने देखिपर जो मानक पाखे से दिव्य शक्ति थी महापुरुष अच्युतानंद महागुप्त पद्मकल्प और भविष्य मालिकार प्रकाश करूपा कूल जलैका नाम से सिद्ध स्थानटी अटई पर्वत शिखर जल रही अच्छी पद्मके फुटी तही से पद्म फुटीण अच्छी जे अच्छी हे गरुड़ कही जा नपारती अनेक साधु सिद्ध मैंने मिलीण नाम कीर्तन करती। ये गुंफा आप देखुं बाबा बैकुंठनाथ ब्रह्मचारी यहाँ बंद करदे द्वार जहाद्वारा कि सर्पर जो जीवास बंद हो जाता
आउ ये जो गुंफा अच्छी से गुंफा बाटे विभिन्न प्रकार समय कीर्तन नाम कीर्तन शब्द शुभुला जहाँ लोक मैंने भी शुणी प्रकाश करती से गुप्त सुडंग भितर नाम कीर्तन शब्द शुभे जोटा मुतान आपण को कहली महापुरुष अच्युतानंद महागुप्त महागुप्त पद्मकल्पर यह विषय वर्णना कर स्थान विषय विभिन्न प्रकार मालिकारे बहुत तथ्य वर्णना करगुड़ी तो संभव नुहे आम कह गोटे भिडियो मध्यम कह संभव नुहे आम जो कि मानते सूक्ष्म तथ्य आम आधारित करमें जनाऊु महापुरुष अच्युतानंद वेद तत्व ब्रह्मज्ञान कल्पर यह स्थान विषय आउ गोटे कथा कलम कर जहाँ आपण को मुझे जत विराजयी आस्थान छाड़ब ततबेले ए गुपत ज्ञान प्रकाशिव कलागिरी एक होब प्रकाश टाही करी मूर्खजन निश्चय हे नाश से ही कथा प्रकट होब दिव्य सिंह 43 अंक हो सत्य सेवा मंडल मूल तत्व विधि श्यामवेद मध्य यार प्रसिद्धि बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी जिते प्रथम गुरु दीक्षा आने से कंठी आ कौपनी मागि सन्यास सी कह तू तो साक्षात वैकुंठ है तेरे को कौन देगा अभी कंठी और कहूँ तुम जाओ मणिनाग गुंफा में तपस्या करो ओडिशा में एक मणिनाग गुंफा है वहाँ पे तपस्या करो वहाँ पे कितना आदमी को तुम कंठी और कहूँ दोगे आई ना कह तुम जाओ हम गुरु दक्षिणा अभी नहीं लेंगे एक दिन हम जाएंगे गुंफा में तेरे को साक्षात करके अभय प्रदान करके गुरुभार अर्पण करके गुरु दक्षिणा लेके आएंगे कही बाबा पलि आसते घरे आसी पहुँचला घर ये 2 किलोमीटर दूर था घरे पहुँचला से आवाजा कान खाली ठाई ठाई बजला तुम जाओ मनीना गुंफा आम तपस्या कर यहीटा कान में सब गुरु का आवाज जो बाजला से आ घर रही पारे 2 दिन हो 3 दिन बेलू रात उठ पलैले आस ये पहुँचे कहे ये जो गुंफा हो ना कहीं ये तो गोटे प्राकृतिक गुंफा अच्छे ये बस आठ बसिले बसिक सेठी साधनरत हेले 12 वर्ष 9 दिन पर गुरु आसी पहुँची गले सूक्ष्म अवस्था देह छाड़ी अभय प्रदान कर प्रदान कले जे तुमको क्या मांगना है मांगले गुरुदेव से कही आम गुरुदेव कही गुरुजी मेरे को कुछ नहीं चाहिए मैं आपका प्रसाद पाएंगे और आपका नाम गाएंगे खाइबि और गायबी से मस्त करदिन चली जाइले बाबा साधारणत हेले सिद्धिप्राप्त हेले आश्रम गढ़ी तोलला पचर देखिले से जो मणिनाग गुंफा बाबा रही देख लो मणिनाग अच्छा और तेणु मणिनाग गुंफा यहीटा ही बोली बाबा भाविने सत्य भी आर मालिकारी भी अच्छे यहाँ मणिनाग गुंफा बोली बाबा हूँ महापुरुष महापुरुष तो निश्चिंत सी अवतारी पुरुष अवतार पुरुष पर से विष्णु अंश में जन्म नहीं थे मालिकार लेखा अच्छे अखिल ब्रह्मांड तारण कारक हे दिज घरे जत बीरजा मंडले अवतरी थे विष्णु अंश हे जत काम रमापरा बीज वसायण ध्यान सूत्र शिखाइबे चिन्हा न पड़े चिन्ह न पारे ब्रज सूत्र बाछी ने तेणु सी होती अखिल ब्रह्मांड तारण कारक मालिकार लेखा अच्छे पदटा तापर पुणी लेखा चक्षरे तात सुभद्राजे माता उदर संबत हो ब संगेट अजुक्त कर पुणी प्रकाश्य नाम बह बापा ना चक्षर हो माँ ना सुभद्रा हो डाक ना बट हो सी होती अखिल ब्रह्मांड तारण कारक ब्राह्मण घर जन्म होते बाबा वैकुंठनाथ ब्राह्मण घर एवं पिता नाम था चैतन्यकर माता नाम था सुभद्रा देवी आउ डाक नाम भी था बट मालिका कथा अनुसार तेणु सी ही अखिल ब्रह्मांड तारण कारक मालिका प्रमाण करा हूँ साधना पीठ द्वादश राहस तही मोर हे चहटी बलीलाचारी अष्टसखी विग्रह स्थापित बोलाइबे ब्रह्मचारी स्वयं भगवान से गुरु रूप से ब्रह्मचारी बोलेबे एवं द्वादश राहस से द्वादश राहस प्रत्येक पूर्णमी ये रास हुए रास उत्सव रूप से पालित हुए रास उत्सव कार्तिक पूर्णमी मणिनाग गुंफा आगु जो गुंफाटी थी बाबा बंद कर दिला भितर गोटे कीर्तन आसूला से एवं किसी ना से आगु आसला मुख्यतः कौन कौन सब पर्वपर्वाणी पालन पर्व कार्तिक पूर्णिमी रास उत्सव 20 बाबा जन्म उत्सव तापर आश्रम प्रतिष्ठा दिवस हो ज्येष्ठ पूर्णिमी आसपर
ବାବାଙ୍କର ତିରୋଧାନ ଦିବସ ଯେଉଁଦିନ ହେଇଥିଲା ସ୍ମରଣ ଦିବସ ସେଦିନ ସ୍ମରଣ ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ। ଯେଉଁଦିନ ଜଳୁକା ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସେଇଦିନ ଜଳୁକାରେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଦିନଟା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲୁ ବି ଯେଉଁ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ବାବା ନିଜର ମାନେ ପ୍ରାଣ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ସେ କୋଉଠୁ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନ ଡାକି ନିଜେ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଂଶ। ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ପଦେ କହିଥିଲେ, ବେଶୀ ସେ ତା ନିଜ କଥା ବେଶୀ କୁହନ୍ତିନି, କହିନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଜିଅନ୍ତା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲି ରେ, ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ତୁଳସୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ, ଏତିକି କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ତୁଳସୀ ପାଇକିରି ମୋ ବାପା, ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ, ମୋ ବାପା ବାପାଙ୍କ ଡିଉଟି ଥିଲେ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଗାଲେରେ ଥିଲା କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇଠୁ ଡକ୍ଟର କହିଲା କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି, ଲାଇଟ୍ ପକାଇ ଦେଖିଲା, ତା'ପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଦେଲା, ମେଡ଼ିସିନ ମୋ ବାପା ନ ଆଣିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାହାର ଦିନ। ବାବା ଆଗରୁ କହୁଛି ଆରେ ଯାଇଥିଲୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଆଗରୁ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନା, ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ନା ଆଉ କ'ଣ ଔଷଧ ଆଣିଲୁ, ନା ମୋତେ ତ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି, ଔଷଧ କ'ଣ ଆଣିବି, ନା ଔଷଧ ଆଣି ଖାଇବୁ ନା ଆଉ, ବାବା କହିଲେ ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଔଷଧ ଆଣି ଖାଇବୁ, ଆଉ ତୁଳସୀ ଟିକେ ନେଇଯିବୁ ଯା ପାଇବୁ। ସେ ତୁଳସୀ ଯେମିତି ମୋ ବାପା ପାଇଲେ, ବାବା କହିଥିଲେ ତୁଳସୀ ନେଇଯା, ମୋ ବାପା ଆଉ ଔଷଧ କିଣିଲେନି, ସେଇ ତୁଳସୀ ପାଇ ପାଇକିରି କୁଆଡ଼େ ରୋଗ ଗଲା, ଭଲ ହେଇକିରି ଆମେ ବୁଢ଼ା ହେଲୁଣି, ମୋ ବାପା ଏବେ ମଲେ ବିନା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜେ ସବୁ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଦିନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥାଟା ମୁଁ ରହୁଛୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିଲା, କ'ଣ ମୁଁ ତ ଆସିନଥିଲି କି ଦେଖିନଥିଲି କି ଜାଣିନଥିଲି କି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେନି, ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ ବିଷୟରେ। କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଟାଣି ଆଣିଲା ଯେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲେ? ସେ ବାବା ନିଜେ ଟାଣି ଆଣିଲେ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କି ବାବା ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିକି ଏଠି, ସେ ନିଜେ ଟାଣି ଆଣିଲେ, କିଛି ପ୍ରୟାସ ଆମର ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି କି କ'ଣ, ତେଣୁ ଆମେ ପଳାଇ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବି, ସେ ମୋର ପ୍ରୟାସ କିଛି ନଥିଲା କି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବି। ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବି ଆସିନଥିଲେ ଜାଗାକୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସିଲେ ତ ରହିଲି, ଆଉ ଆସିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଯେ କାଥରେ ରହିଲେ ସେଠି। ମୋ ବାପା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ମଠକୁ ଯିବ ମଠକୁ ଯିବ, ହେ ମଠ ଫଟ ତମର ମଠ ତମେ ଯା, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲାଗିଗଲା ମାୟା ଭଗବାନ ମାୟା କ'ଣ, ସେ ତ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବେ, ଆଉ ବାବା ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବେ, ଏଇଟା ପୁରା ମୋ ପାଖରେ 100 to 110 ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ହେଲା, ଆଉ କିଏ କରୁ ନ କରୁ ବାବା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏଠି ରହିଗଲି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିଲେ ବାବାଜୀ ନିର୍ଭୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ସ୍ଥାନର ମହାତ୍ମ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଣା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ହେଇଛି ଘଟଣା ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା, ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି କେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନୋରମ ସ୍ଥାନଟିଏ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏଠି କିଛି ସମୟ ଆପଣ ବସିପଡ଼ିଲେ ଏହାର ଦିବ୍ୟତା ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିବେ। ଏହିପରି ଆମର ଉଦ୍ୟମ ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମନ୍ଦିର ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଏସବୁକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଓ ସତେଜ ଅଧ୍ୟାୟରେ।